नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिकेट टॉक विद पीवाई पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज़ और अपडेट्स पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई इंडियंस वर्सेस किंग इलेवन पंजाब मैच 13 ऑफ IPL 2020। इसका हम प्रीव्यू करेंगे। बेसिकली चार सेगमेंट्स रहते हैं, आप लोगों को पता होगा हमारे इस वीडियो के प्रीव्यू सेगमेंट के, यहाँ पे चार सेगमेंट्स रहते हैं। पहला सेगमेंट रहता है हमारा प्लेइंग इलेवन का, दूसरा रहता है प्लेयर्स बैटल, और तीसरा रहता है फैंटेसी इलेवन जिसमें हम बनाते हैं, आप लोगों को देते हैं। और अगर फैंटेसी इलेवन में आप लोगों को और ज़्यादा सपोर्ट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और चौथा सेगमेंट रहता है फनी सेगमेंट, दैट इज़ मैच प्रेडिक्शन, क्योंकि अपना प्रेडिक्शन सेगमेंट अभी हल्का हल्का सही जगह पर जा रहा है। तो चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की ओर, दैट इज प्लेइंग इलेवन ऑफ बोथ द टीम। तो पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन की ओर। तो मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन की बात करें तो मुंबई इंडियंस आज एक चेंज कर सकता है, आज मुंबई इंडियंस हो सकता है, क्योंकि पिछले मैच में मार खाए थे मुंबई इंडियंस के लगभग सभी बॉलर्स। तो वहाँ पे पैट नॉर्थन कुल्टर नाइल आ सकते हैं, वहाँ पे जेम्स पैटिनसन की जगह नॉर्थन कुल्टर नाइल अच्छी बॉलिंग करते हैं और बड़ी हिट्स के लिए भी जाने जाते हैं। तो मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन की बात करें, यहाँ पर रोहित शर्मा कैप्टन, उनके साथ क्विंटन डी कॉक, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पंड्या, किरण पोलार्ड, कृणाल पंड्या, नॉर्थन कुल्टर नाइल, राहुल चहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह। अब बात करते हैं किंग इलेवन पंजाब के स्क्वाड की, किंग इलेवन पंजाब की प्लेइंग इलेवन की। तो उनके में भी हमें प्लेइंग इलेवन में चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या KL राहुल चेंजेस करेंगे? शेल्डन कॉटरेल पे एक मैच में 5 छक्के मारने के बाद क्या उनको बाहर करेंगे? 8.5 करोड़ जो उन पर इन्वेस्ट किए, क्या उसको एक मैच के बाद क्या उन पर इतना ही कॉन्फिडेंस है कि उनको बाहर करेंगे? मेरे हिसाब से शायद अभी और उनको चांसेस मिलेंगे और शायद किंग इलेवन पंजाब सेम लाइनअप के साथ जाए। KL राहुल कैप्टन, मयंक अग्रवाल, करुण नायर, निकोलस पूरन, ग्लेन मैक्सवेल, जेम्स नीसम, सरफराज खान, मुरुगन अश्विन, रवि बिश्नोई, सेल्डन कॉटरेल, मोहम्मद समी। अब चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की ओर, दैट इज प्लेयर बैटल टू वॉच आउट फॉर। तो पहली बैटल जो बहुत ज़्यादा से हम देखने वाले हैं, दैट इज रोहित शर्मा वर्सेज सेल्डन कॉटरेल, क्योंकि रोहित शर्मा अंदर आने वाली गेंदों पर बहुत ज़्यादा फंसते हैं। तो वहाँ पर रोहित शर्मा के सामने सेल्डन कॉटरेल, जस्ट इन्जॉय दैट राइवलरी, क्योंकि वो बैटल हमें बहुत ही ज़्यादा खास लगेगी, क्योंकि रोहित शर्मा अंदर आने वाली गेंदों पर शुरुआत में फंसते हैं, और अगर रोहित टिक गए तो फिर एक बड़ी पारी हमें रोहित शर्मा से देखने को मिलेगी। दूसरी बैटल, दैट इज किरण पोलार्ड वर्सेज मोहम्मद समी, क्योंकि किरण पोलार्ड अब आजकल जल्दी बैटिंग कराने के लिए भेज रहे हैं मुंबई इंडियंस का वहाँ पे खेमा। तो किरण पोलार्ड अगर ऊपर आते हैं, मोहम्मद समी को नीचे अगर डेथ में बॉलिंग करते नजर आए, तो हमें किरण पोलार्ड देखते हैं, क्या मोहम्मद समी भारी पड़ेंगे या किरण पोलार्ड। अब चलते हैं तीसरी बैटल की ओर। तो तीसरी बैटल है KL राहुल वर्सेज ट्रेंट बोल्ट। जो दिक्कत रोहित शर्मा के साथ है कि अंदर आने वाली गेंदों पर हल्का सा फंसते हैं, वही दिक्कत KL राहुल के साथ भी है। KL राहुल भी अंदर आने वाली गेंदों पर फंसते हैं, वहाँ पर ट्रेंट बोल्ट के सामने बहुत ही दिक्कत होने वाली है KL राहुल को। अब चलते हैं अपनी चौथी बैटल की ओर। तो चौथी बैटल है मयंक अग्रवाल वर्सेज जसप्रीत बुमराह। तो इस बैटल में भी हमें बहुत ज़्यादा देखने वाली एक कॉन्टेस्ट रहेगा, क्या मयंक अग्रवाल यहाँ पे जीतेंगे या फिर जसप्रीत बुमराह, क्योंकि मयंक अग्रवाल बहुत तगड़ी फॉर्म में, जसप्रीत बुमराह बहुत ही बुरी फॉर्म में अभी अपने करियर के। तो ऐसे में जसप्रीत बुमराह वर्सेस मयंक अग्रवाल एक कॉन्टेस्ट रहेगा, जिसे हम बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं इस मैच में। सेगमेंट की ओर, दैट इज फैंटेसी इलेवन। तो फैंटेसी इलेवन में मैं आपको बता दूं कि आप अगर अपना ड्रीम इलेवन से लेकर कुछ टिप्स या ट्रिक्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको स्मार्ट ट्रिक्स बताते हैं कि आप किन किन प्लेयर्स के साथ आप आज की आप ड्रीम इलेवन बता सकते हैं, कौन से प्लेयर आज ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा या कौन से प्लेयर हल्का सा फ्लॉप रहेगा आज के मैच में, इस बात की हम जो टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो चलते हैं आज की फैंटेसी इलेवन की ओर। तो फैंटेसी इलेवन में आज क्विंटन डी कॉक और ईशान किशन, मैंने दो विकेट कीपर्स को लिया। KL राहुल का पिछले दो मैचेस बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, इसलिए मैं आज KL राहुल को नहीं ले रहा हूँ, और आज वो हो सकता है वो जल्दी आउट हो जाएं। रोहित शर्मा को मैंने लिया और उन्हें कैप्टन भी बनाया, क्योंकि उनका पिछला मैच फ्लॉप रहा था, तो हो सकता है आज में बड़े स्कोर देखने को मिले रोहित शर्मा की ओर से। सूर्य कुमार यादव, मयंक अग्रवाल, किरण पोलार्ड, जेम्स नीसम, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह के तीनों मैचेस मैं कहूँगा इतने अच्छे नहीं रहे, एवरेज मैचेस रहे, इसलिए मैंने उनको आज 22 कैप्टन भी बनाया है। और मोहम्मद समी, सेल्डन कॉटरेल, ये थी मेरी फैंटेसी इलेवन। आप हमें अपनी फैंटेसी इलेवन कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने चौथे और सबसे फनी सेगमेंट की ओर, दैट इज मैच प्रेडिक्शन। तो इस मैच के लिए मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ मुंबई इंडियंस टू विन दिस मैच। और हमारे चलते हैं प्रेडिक्शन मीटर की ओर। तो हमारा प्रेडिक्शन मीटर है 7-5, यानी कि 7 प्रेडिक्शन अपनी अभी तक सही हो चुकी हैं और 5 प्रेडिक्शन अपनी अभी तक गलत होंगी। तो अभी अपना स्कोर लाइन मैच प्रेडिक्शन मीटर का बहुत ही सही है मेरे हिसाब से। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।